उनका चूजा तो चालीस रुपए में भी उनको मुनाफा देके जाता है वो चूजा आपको दो सौ छोड़े डेढ़ सौ में भी देंगे तब भी उनको सौ रुपए का मुनाफा सीधा सीधा हो थोड़ी पता चलना है कि असल किसके पास है या नकल किसके पास है या हेरिटेज किसके पास है या कमर्शियल किसके पास है पता तो तब चल कोशिश ये होनी चाहिए कि उस फार्म का विजिट लाजमी करें या फिर इस बात की कम से कम तस्दीक जरूर करवा लें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफी से होंगे लाइट्स सेक्स हेरिटेज ब्रेड के नाम पे मार्केट में जितना फ्रॉड टाइम किया जा रहा है शायद ही इतना फ्रॉड किसी और ब्रेड को लेके किया गया था यही वो एक मेन काज है जो इसके जवाल की वजह बनी है लाइट्स सेक्स हेरिटेज का चूज़ा मार्केट में तकरीबन 1400 से लेके 1600 सो रुपए तक सेल हुआ है लेकिन आज लोग इसको 200 रुपए से लेके 400 रुपए पर डे के हिसाब से सेल करने पर मजबूर है अगर आप भी इस ब्रीड पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले ध्यान कर लीजिएगा कि कहीं ये वाला मामला तो आपके साथ नहीं हो रहा दूसरे नंबर पे जो दोस्त ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं जिनके पास ये बर्ड है लेकिन वो परेशान हैं कि मार्केट में इसका चूजा इतना सस्ता कैसे जा रहा है जबकि हमने इसकी बीस बीस हज़ार पैंतीस पैंतीस हज़ार तक की मुर्गी खरीदी हुई है तो उन दो सहबाब के लिए भी ये एक कारामद वीडियो है वो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखेगा और अपने कस्टमर को जरूर बताइएगा कि कहीं ये वाला स्कैम तो उनके साथ नहीं हो रहा अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंच सके हो कुछ ऐसा रहा है कि लाइट्स सेक्स हेरिटेज के नाम पर लोगों को गोल्डन मिसरी का चूजा थमाया जा रहा है और सम टाइम तो कभी कभी गोल्डन मिस्री ही लाइट हेरिटेज बोल के सेल की जा रही है ये मैं ऐसे ही हवाई बातें नहीं सुना रहा हूँ बल्कि आगे आपके साथ सबूत भी शेयर करता हूँ और हैरान की होगी आप दोस्तों को जान के कि ये वाला फ्रॉड ऑलरेडी साढ़े सात माह पहले मेरे साथ भी हो चुका हुआ है इसकी भी मैं वीडियो आप दोस्तों के साथ आगे चल के शेयर करता हूँ पहली बात की कि ये किस तरह पॉसिबल है तो मेरे भाई इस बात की तस्दीक के लिए आप अपने करीबी गोल्डन मिश्री फार्म पे जाए जिसके पास तकरीबन चार महीने से ऊपर का बर्ड है तो वहाँ पे आपको मोर देन टेन परसेंट बर्ड वो नज़र आएंगे जिनके ख़ुद खाल लाइटोसेक्स हेरिटेज जैसे होते हैं हुआ कुछ ऐसे था कि आज से दस बारह साल पहले लाइट्स सेक्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था बट वो हेरिटेज नहीं थी इतनी बल्कि बर्ड नहीं था इतना हैवी बर्ड नहीं था इट्स अ सेम लाइक जैसे हमारी मिस्री हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी जैसे गोल्डन करवाई थी और इसको भी हमने बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था बट बदकिस्मती से हम उस ब्रीड को भी यूनिक सिंगल ब्रीड नहीं रख सके उसको भी हमने पकड़ के अपनी मिक्स ब्रीड में शामिल कर दिया और मोस्टली जो सिल्वर गोल्डन है उसमें ही आपको बर्ड नजर आता है जी उन एविडेंस की तरफ जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले दिनों एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया कुछ चूज़ों के लिए कुछ मुर्गियों के लिए तो बाद में उन्होंने ना मुझे मैसेज किया मन कुछ भाई मैंने ना कहीं से ना गोल्डन मिश्री लिया तो उनमें से मुझे ना कुछ लाइट एक्स की नज़र आ रही है खैर ये मैं आपके साथ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ पहले ये आप देख लीजिएगा फिर मैं इस पर बात करता हूँ असल मनकुश भाई क्या निक हैं ठीक ठाक है यार आपसे मेरा रबता हुआ था के लिए लेकिन फिर मैंने ये परचेज कर ली थी गोल्डन मिसरी तो इसमें कुछ तीन चार जो है ना उन पर मुझे लग रहा है कि ये कुछ उसमें लाइट सूसैक्स वाली हैं तो काइंडली अगर मुझे बता सकते हैं कोई निशानी वगैरह इसकी गई ये लाइट सोसैक्स वाली कौन सी है इसमें आपको सामने भी नज़र आ रहा होगा एक दो सामने ही है और तीन चार इस तरह पीछे ही हैं तो अगर इसकी कोई इस तरह वाज निशानी हो तो काइंडली मुझे वो में मैं इसकी ब्रीड बनाना चाहता हूँ और है बहुत महंगी है तो मैं इसका अपना अलग करके इनको, इनको इनसे से ब्रीड लेना चाहता हूँ तो काइंडली अगर कोई निशानी इसी बता दें मुझे तो बहुत ये मैंने तकरीबन कुछ 120 गोल्डन मिस्री ली है और अभी बस एक फार्म टाइप ही बनाया हुआ है हमने तो ये उस दिन बारिश के दिन मैंने इनको बाहर निकाला था काफ़ी दिनों बाद तो मेरे भाई एक बात याद रखिए कि जो भी आप इस तरह की ब्रीड लेते हैं ना उसमें से कभी भी आपको वो प्योर चीज़ नहीं मिलती प्योर तो बहुत कह लीजिए बड़ा लफज़ है उसके पास पास भी वो चीज़ नहीं मिलती हाँ उनसे रिजेंबल हो सकती है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ब्रीडों का क्रास है ये ना तो गोल्डन है ना ही ये मिसरी है ये मुख्तलिफ़ ब्रीडों का क्रास है जिसको हम लेकर के चलते हैं हाँ आप अलग करके इनकी प्रोडक्शन चेक कर सकते हैं बट इसको आप लाइट सोसेक्स नहीं बोल सकते जी ठीक है मेरे भाई थैंक यू सो मच बस यही कन्फर्म करना था मैंने भी मैं भी कहूँगी यार इतनी महंगीसम तो करा रहे थे चले यार थैंक यू सो मच थैंक यू अब आते हैं जी हम अपने ऊपर आज से तकरीबन साढ़े सात माह पहले मैंने एक दोस्त के लिए लाइट सेक्स हेरिटेज ब्रीडर जो थे ना वो ख़रीदने थे तो उसके लिए मैंने के पी के में रब्ता किया एक बंदे से तो उसने मुझे कहा हाँ जी जी मेरे पास है जी हेरीटेज में ही है उसकी आड़ लगी हुई थी तो मैंने कहा चले ठीक है जी जैसे लोग मुझे पेमेंट भेजते हैं हम उनको माल भेज देते हैं तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है जी मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट लगवाई उसने मुझे, मुझे मुर्गियाँ भिजवा दी जब मेरे पास मुर्गियाँ पहुँची तो मैं देख के हैरान कर यार ये मुर्गियाँ कैसे हैं इमिडिएटली मैंने उस बंदे को इन्फॉर्म किया वीडियो बना के भेजी भाई साहब ये नहीं है बट बंदा जो है वो भाई साहब जब एक मरतबा पैसा गया तो फिर कौन जिम्मेदार है खैर आप ये रिकॉर्डिंग देखिए जी उस देखिए ना ये क्या ये सुसेक्स ये टेल देखो ये इसकी यहाँ तो के बंदे इधर हेरिटेज में आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये मेरी मुर्गी घूम रही है ये देखिए ये साय चेक करेंगे ये भी अंडों में नहीं आई चेक करें में अब आप लाइट सुस आपके माइंड में पता नहीं क्या था वो मुझे नहीं पता फिर आपके माइंड में क्या था अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप इनका भी पोस्ट लगाएं अभी सेल हो जाएंगे मसला तो नहीं आपका तो फैसला बात जो भी है आपको आपके पैसे मिल जाएंगे ये आराम से सेल हो जाएंगी पर हमारी साइड से जैसे आपकी मर्जी है आप आते है, जाते है, लाते हैं बेचते हैं जो कुछ करते हैं इससे मेरा कोई तलक नहीं है क्योंकि मैंने आपके साथ कोई फ्राड किया नहीं है और एल पर जो मैंने पिक्चर लगाई थी वही वर्ड आपको बचाया और जहाँ तक वीडियो का सवाल है तो वीडियो मुझे नहीं पता कि इतनी भी नेसेसरी थी जब पे चलें जी दोस्तों ये हमारा वाक्य था गोल्डन मिसरी से जिनके कहले ख़तों का लाइट सोसेक्स हेरीटेज जैसे होते हैं जैसे पिंक लेग है हैं प्योर वाइट में है और थोड़ा सा हैवी बर्ड है उसको लाइट से सेक्स बोल के उसको सेल कर देते हैं और अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस बंदे को पता भी था कि मैं मुर्गियों का काम करता हूँ मेरे साथ ये मामला हो गया है और मुर्गी के साथ हुआ है चूज़े के साथ यहाँ पर क्या क्या मामला हो रहा होगा और भाई उनका चूज़ा तो चालीस रुपए में भी उनको मुनाफ़ा देके जाता है वो चूज़ा आपको 200 सौ छोड़ें डेढ़ सौ में भी देंगे तब भी उनको सौ रुपए का मुनाफा सीधा सीधा हो रहा है आप जब भी मुर्गियां खरीदना चाहते हैं या उनके चूज़े खरीदना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस फार्म का विजिट लाजमी करें या फिर इस बात की कम से कम तस्दीक जरूर करवा लें कि वो वाकया ही फार्मर है या ब्रोकर है इट्स टोटली अप टू यू सिर्फ फिगर ना देख लिया कीजिएगा अगले बंदे की हिस्ट्री भी देख लिया कीजिएगा बैकग्राउंड भी देख लिया कीजिएगा जब हम लालच में पढ़ के सस्ती चीज लेते हैं तो बाद में सीन यही होता है और माशाल्लाह अभी तो लाइट कह लीजिएगा कि तीन चार महीने में ही जैसे ऊपर गई थी वैसे ही नीचे आई है उन दो सहबाब के पास तो भी माल तैयार भी नहीं हुआ, हुआ। यही एक मेन वजह है जिनके पास प्योर माल पड़ा हुआ है मजबूर हैं अपने उस चूजे को सस्ते दामों बेचने पर क्योंकि मार्केट में लाइट्स ओ सेक्स हेरिटेज के नाम पर गोल्डन मिश्री का चूजा भी तो दो सौ रुपए का मिल रहा है लोगों को ये थोड़ी पता चल रहा है कि असल किसके पास है या नकल किसके पास है या हेरिटेज किसके पास है या कमर्शियल किसके पास है पता तो तब चलना है जब उनके पास चीज़ आनी है और जब वो चीज़ तैयार होनी है मैं आपको एक ख़ास मेन निशानी बता देता हूँ इन दोनों में डिफ्रेंस करने में कि लाइट्स ऑफ सेक्स हेरिटेज कौन सी है और लाइट्स ऑफ सेक्स के नाम पे जो गोल्डन मिसरी दी जा रही है वो कौन सी है गोल्डन मिसरी ये आपके सामने एक बर्ड नज़र आ रहा है रिजेंबल पूरी लाइट्स ऑफ सेक्स हेरिटेज जैसी है लेग भी इसकी पिंक है लेसेस भी इसकी कह लीजिएगा कि थोड़ी है और इसकी पूरा बाकी कलर जो है वो वाइट है देखिए जो गोल्डन मिश्री का बर्ड होगा जैसे इसका मैं आपको वेट करके दिखा रहा हूँ ये सवा किलो से डेढ़ को डेढ़ किलो के करीब होता है ऑन द अदर हैंड जबकि लाइट सेक्स हेरिटेज फीमेल जो होगी वो कम से कम ढाई किलो की होगी और जो मेल होगा उसका वजन कम से कम सवा तीन किलो से ऊपर होगा अगर आपके पास ये वज़न नहीं आता मुर्गी का और मुर्गे का तो सर समझ लो ये फिर क्रॉस है गोल्डन मिसरी की मुर्गी के साथ लाइट सेक्स हेरिटेज का मुर्गा छोड़ के उसकी नस्ल दी गई है या फिर वैसे ही आपको गोल्डन मिश्री थमा दी गई है मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ के दोनों पहलू आप दोस्तों के सामने रखे जाएं उसके बाद आपने माल किससे लेना है सोच समझ कर ये आपने डिसाइड करना है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्लाह पाक आपको हमी नासिर जी अल्लाह